ये आप अपने गले में डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब व्यूअर्स, क्या हाल है। आज हमने एक सांप देखा है और ये मेरा घर है, ये देखें ये मेरे जानवर हैं, ठीक है। वो भाई भी आ गया सांप पकड़ने वाला, ये आप देख रहे हैं। ये भाई को बुलाया है, ये एक्सपर्ट आदमी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है। अल्लाह का करम, सुनाओ। ठीक हो? ठीक हूँ। कैसे हो यार, आपको तकलीफ दी है। ये आप देख रहे हैं ये भैंसे वगैरह खड़ी हैं। अभी ये एक लड़का इधर आया था इसको चारा डालने के लिए, तो उसने ना ये तूड़ी उठाई थी इसको डालने के लिए। ये कमरा देख रहे हैं, ये अंदर, हाँ इसके अंदर तूड़ी पड़ी है। तो तूड़ी के अंदर से सांप जो था ना वो निकला है। तो भाई ये आप अगर देख सकें तो, अगर इसको आपने जांच पड़ताल के साथ निकालना है। ये तूड़ी अंदर पड़ी है, आप देख रहे हैं। ये इस तूड़ी में से उसने ना यहाँ पे डालनी थी तूड़ी भैंसों को, तो वो उठा रहा था तो इसके अंदर निकला है वो सांप, फिर अंदर चला गया। जगह बहुत पुरानी है तो इसी वजह से ना। ये कपड़ा भी छोड़कर चला गया है। तो नाजरीन आज हम आपको लाइव सांप पकड़ता हुआ दिखाएंगे। ये भाई है, ये इसने बहुत बड़े बड़े सांप पकड़े हैं। आज देखते हैं इसके हाथ सांप लगता है या नहीं लगता। यहाँ पर कचरा तो बहुत है, सांपों के छुपने रहने की ये बेस्ट जगह है। तो न जाने अब इन द्राणों के अंदर सांप चला गया हो, ये पीछे एक सुराख है, बैल है, या उसके अंदर चला गया हो। सांप तूड़ी में था सर, तूड़ी में था बहुत। अभी पता नहीं ये तूड़ी के अंदर ज्यादा चला गया है। हैं पहले देख लें आप, अपने रिसर्च करें अगर इधर है तो, फिर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इधर तो फिलहाल नहीं। आज हम क्या करते हैं, बैग में से दस्ताना वगैरह पहन लेते हैं, अपने जो है ना पूरी पूरी हिफाजत कर लेते हैं। हो सकता है कौन सा नांग है, ये तो बाद में पकड़ेंगे पता लगेगा। तो हिफाजत सेफ्टी जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, सेफ्टी लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि यार सांप बहुत जहरीले होते हैं। तो चलें चलते हैं। मैंने अपना बैग इधर रख दिया है, बैग की जो है ना लगा देते हैं। चलो जाइए, मैंने उल्टे हाथ में पहन लिया था। तो प्यारे भाई ये जगह तो हम देख चुके हैं, और ये वाली भी देख ली, ये वाली है, मुझे शक है इसमें, क्योंकि ये देखिए इधर इधर है, ये थोड़ी सी मुझे यहाँ से ना ये लकी नज़र आ रही है, की ऊपर मिट्टी गिरी हुई है, ये देखें। और इसमें है लगता है, देखते हैं जो है, ओ इतना बड़ा सांप जी। और ये तो कलर इसका अजीब है भाई। अच्छा दूसरा आपको बता दूं, ये देख ये जो सांप है ये जहरीला नहीं है। अच्छा हाँ जी, आप तो बहुत डर चुके थे, बहुत परेशान थे, हाँ, लेकिन ये सांप जहरीला नहीं है। ये आपको कैसे पता कि ये मैं आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा जी, ये पाकिस्तान में 3-4 किस्मों के सांप जो जहरीले पाए जाते हैं, जैसे संगचूर, कोबरा और तीरकश वगैरह हम कहते हैं, लेकिन ये जो सांप है, हाँ जी, ये जो सांप है ये मासूम सा सांप होता है। इसकी ये आप पीछे मोटा और सर बारीक देख रहे हैं, इसकी पहचान है, इसे हम कहते हैं चूहे खाने वाला सांप। अच्छा। पाकिस्तान में, लेकिन बाहर कंट्रियों में जो है इसके मुख्तलिफ नाम है। तो लेकिन भाई हम तो थोड़े से अनपढ़ बंदे हैं, हम तो इसे चूहे खाने वाला नाग ही बोलते हैं। तो आप देखते हैं, ठीक है, इस हाथ से पकड़े, कोई मैंने दस्ताना वैसे पहना हुआ था, तो इसे हाथ से भी पकड़ लेते हैं। ये देखें सकून से सोया हुआ है,
यार ये तो ये भाई मुझे तो डर लग रहा है इसका, डर तो आपको लगना ही चाहिए जी, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पे। अगर डाल के दिखाओ। नहीं डालूंगा मैं, हाँ नहीं डालूंगा, ठीक है ना। ये इतना बड़ा सांप आप कहते हैं जहरीला नहीं? मैं कह रहा हूँ जहरीला नहीं है भाई, ये सांप जहरीला नहीं होता, ठीक है जी। यार ये देखे कितना, इसको नीचे छोड़ो, ये नीचे जमीन के साथ लगा हुआ है, मैंने पकड़ा, छोड़ो ठीक है जी। और ये देखे ये दौड़ता तेज है, ये देख लें ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहा है ना, तो हम इसे जो है ना अब जाने नहीं देंगे, लेकिन इसे बार बार मैं जाके छोड़ दूंगा। अच्छा, क्योंकि ये जहरीला नहीं है, शुक्र है आपने इनको इसको मारा नहीं है, ठीक है ना यार। वो लड़का देख के भाग गया था ना, उसको क्या पता था इसको मारा, ये देखो मारने से ये इसकी बेचारे की जान चली जाती, ठीक है ना, क्योंकि जहरीला भी नहीं है, तो बेस्ट किया, अच्छा किया इसको मारा नहीं है, तो ये हम यहाँ से पकड़ेंगे, क्योंकि आप इससे खौफ रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह इसे छोड़ देता हूँ। तो एक मेरी कॉल आ रही है, एक मिनट मैं काट देता हूँ, ठीक है। दुआ में याद रखिए गाइस, ये भाई का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, करिए शेयर करिए, अगर वीडियो हमारी अच्छी आपको लग रही है। इसको जरा चाल कर तो दिखा। हाँ चलेगा जी, चलेगा, ये देखें, ओए होए चलने का दांत। और इस वक्त इसका 5 किलो वजन है, मैंने उठाया है ना। अच्छा, ये 5 किलो वजन है इसका इस वक्त। ये तो देखो जानवरों के पास जा रहा है। हाँ जी, जानवरों के पास जा रहा है, लेकिन ये जानवरों को कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, और ये जानवर जानवरों का जो है ना, ये दूध भी पीता है। हाँ? ये उनके ना, ये देखे, अच्छा ये उनके जो है तो होता है ना पीछे वाली टांगे। हाँ? उनको पकड़ कर ये दूध भी पी लेता है। हाँ? ये बहुत मजबूत है यार, तो इससे भाई डरना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ना जहरीला सांप नहीं होता। और ये देखे कितना तेज जा रहा है, ठीक है, वैसे बाइट तो करता है। हाँ। हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए बाइट करते हैं, काटते हैं, लेकिन काटना के जो है कोई खतरनाक होता है, और कोई वैसे ही जो है, ये भाई भी देखने हैं। भाई आप कभी देखा है ना ऐसा? नहीं देखा आपने ना? है ये देखें, हाँ जी, नहीं नहीं काटेगा नहीं भाई, ये जहर वाला नहीं नाग है, ठीक है ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये जहर वाला नाग नहीं है, ठीक है ना। वरना मैं दस्ताना पहन के गया था, मैंने कहा कि शायद अगर कोबरा सांप हो, लेकिन ये भाई यार ये अजीब सांप है। हाँ जी अजीब भाई, अजीब तो है ये, तो इसका कलर भी कुछ डिफरेंट है, अल्लाह ने इसे खूबसूरत बनाया है, ये देखे अब जा रहा है भाई, ठीक है जी। अच्छा ये भाई अल्लाह ने इसे बनाया बहुत खूबसूरत, ये देख रहे हैं आप, ये कितना प्यारा है, ये देख रहे हैं आप, इधर ले आ। हाँ भाई, मैं मुझे तो डर लग रहा है भाई, आपको तो भाई डर लगेगा, ये देखें इसका मुँह देख लें, ठीक है जी, और ये देखें, ठीक है जी, ये सांप, ठीक है जी, चलो जी, चले, शुक्रिया जनाब आपके आने का। अब हम इसे बाहर छोड़ दें, अभी मुझे तो खतरा था ना इस जगह। नहीं नहीं, अब खतरा था, अब तो खतरा टला, ठीक है सर, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन ये था सांप जो आपने देख चुके हैं कि ये सांप। अब मैं इसे बैग बताऊंगा। हाँ ठीक है, ये मेरी स्टिक का सामान पड़ा है, ये देखें। हाँ बिल्कुल, मेरा सामान स्टिक है, और इसके अंदर डाल के मैं लेके जाऊंगा, और इसे जाके छोड़ देंगे दोबारा। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तो नाजरीन ये था सांप, जो भी था, लेकिन था तो सांप ही, लेकिन हम लोग तो इसको खतरनाक डेंजरस समझते हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।